सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस गोत्र की हिस्ट्री लेके आया हूँ उसका नाम है लोहान। इसे शुरू करने से पहले फिर अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ, कुछ त्रुटियों की तो माफ़ करना। और साथ साथ भाइयों, डायरेक्टरी बनाई जा रही है जाटों की, जो कि पूरे वर्ल्ड की है। 80-90 हज़ार जाटों के नाम इकट्ठे हो चुके हैं। आप अपना नाम, फोन नंबर कमेंट अवश्य करें, उसके लिए धन्यवाद। तो लोहान गोत्र की हिस्ट्री इस प्रकार है। लोहान एक जो जाट गोत्र है, इसको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। लोहान, लोहानु, लोहान, लोहन। इस गोत्र के लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में मिलते हैं, जबकि अफगानिस्तान में लोहान नाम के इस गोत्र के लोग मिलते हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार ये चौहान संघ से इनका नाता रहा। महाभारत के 8 अध्याय में इस गोत्र के लोगों का वर्णन मिलता है, लेकिन वहाँ ये लोग जो लोह के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसे मैंने बताया समय के अनुसार लोहन, लोहान ये विस्तृत बदलती रहती है, हर जगह हमारे इंडिया में नहीं है। महाभारत में जब इन्हें खम्भोज और ऋषकों के साथ उत्तर दिशा के लोग बताया जाता है, इस बात का भी पता चलता है कि अर्जुन ने लोहानों को जीत लिया था, लेकिन महाभारत के हजारों वर्षों बाद इन्हें अपनी शक्ति फिर हासिल की। सिंध प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसके बाद पता चलता है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा में आकर ये लोग बस गए। लोहान सिंध में मुसलमान के कट्टर शत्रु और जाट व ब्राह्मण के राज्य पर उनका परम भक्त होते थे। ये लोग सिंध के 2 दल में विराजमान थे। सिंध में एक दल में योद्धा होते थे, जबकि दूसरे दल में व्यापारी हुआ करते थे। समय के साथ साथ लोग के मांडलिक राजा के समय धर्म कबूल कर लिया उन्होंने। कच्छ, काठियावाड़ और मुंबई के व्यापार के प्रमुख स्थानों पर लोहान व्यापारियों का आज भी प्रभुत्व है। मैं देखिए आप, मतलब जाटों में 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए थे लोहान भाइयों में, एक जो फौज में रहे, दूसरे बिजनेस में। और आज बताते हैं मुंबई और काठियावाड़ एरिए में इनका काफी प्रभुत्व है। लेकिन जाटों के बारे में भाटों से भी कुछ विवरण प्राप्त हुआ। इसके अनुसार रामायण के समय डाब रुख नाम का एक राजा हुआ करता था, वह दक्षिणी का शासक था। संबल नामक उसकी एक छोटी सी नगरी थी। डाब रुख ने काफी लंबे समय तक राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र चुहरुख राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सूर्यवंशी राजा सिसोद ने अपनी पुत्री सुबह छाया की शादी राजा चाहू रुख से कर दी। राजा सिसोद दक्षिण भारत पर शासन करना चाहता था, इसके कारण उसका युद्ध चाहूरुख से हो गया और युद्ध में सिसोद की हार हुई और मारा गया। इस परंपरा में 25 शासकों ने यहाँ का राज किया और भौमरुख का पुत्र कुधकोर सोण का जन्म हुआ। उसने उसके अंदर कुंड का शासन किया। उसने अदल कुंड पर शासन किया। उसका पुत्र अजीत सेन हुआ, जिसने यादवों की सहायतार्थ मधुकेटक राक्षस का वध किया, जिसके बाद चीरा सेन शासक बना। यह सेन राजा की पदवी होती थी। यहाँ पर आप देखिए सेन जो अपने आपको बोलते थे। इस प्रकार से पता चलता है इस गोत्र के लोगों ने हमेशा शासन किया, जिसके कारण इन लोग के समान सख्त और बहादुर माना जाता रहा था। मानव कर्म चौहान के पुत्र लवण सिंह हुए लवणवास के राजा बने। उन्होंने 52 गांवों पर शासन किया। विक्रम संवत 1999 के साल में सभी राजा महाराजा चौहान के लोहान पद ग्रहण किया। फिर लोहान कहने लगे अपने आप को, मतलब उसके बाद ये समय के साथ साथ इनकी लोहान पदवी प्रसिद्ध होने लगी, जो पदवी थी। इसके कारण आज भी इन्हें लोग लोहान जाटों के नाम से जाना जाता है इनको आज भी। इनकी महानता इस बात से है कि अंदाजा लगाया जाता है कि शेरशाह भी लोहान गोत्र जाटों के यहाँ नौकरी करता था। इस गोत्र के लोगों में एक रूढ़ी प्रसिद्ध है कि लोहान वंश कभी पत्थर पर बैठकर स्नान नहीं करते, जिसका कारण इतिहास से बताया गया है कि लोहान वंश के एक बहादुर माईलाल लोहान ने जन्म लिया था नारनौंद
में तंवर राजपूतों के लोगों को चेतावनी दी तो कर दी, दी या तो कर दो या अगर लड़ाई करो। मोहनलाल ने इसकी बात न मानते हुए लड़ाई का फैसला लिया और जब इनकी आपस में लड़ाई हुई तो अकेले मोहनलाल ने 47 तंवर राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया, खुद शहीद हो गया। उस समय सती प्रथा काफी प्रचलित थी। मोहनलाल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी देवी सती हो गई। उसके बाद वैशाख नदी दसवीं पूजा की गई लेकिन महासती देवी की पूजा ठीक तरह से नहीं हो सकी, कुछ विधि विधानों की कमी रह गई। उसके कारण देवी ने प्रकट होकर कहा कि वह शराब देगी कि उनका वंश कभी भी आगे ना बढ़ सके। इसके बाद हट्टू के बेटे हरमल ने सौगंध खाई कि लोहान वंश कभी भी पत्थर पर बैठकर स्नान नहीं करेगा। गांव से दक्षिण की ओर जोहड़ी की पाल पर मूर्ति की स्थापना की गई। हरमल का पुत्र जसमल हुआ और जसमल के 5 पुत्र। उसके बाद उनकी पीढ़ी विकास करते करते आज काफी संख्या में लोग पहुंच गए। लेकिन आज भी सुनने में आया कि पत्थर पर नहीं बैठते, ऐसा इनका मानना है। इनके जो गांव है लोहान के उत्तराखंड हरिद्वार जिले में रहजोली खूनीकला लिब्रहेड़ी, उत्तर प्रदेश में जो है इनके एकमात्र नहीं कि इकट्ठे में अलग अलग 5-5-10 परिवार गांव में मिलते हैं। राजपुरा गुलकाणी अलेवा सिंडोड ये जो आपके जींद में है, कलायत कैथल में है, हिसार जिले में अमीरपुर नारनौंद खंडाखेरी पनहारी में लोहान है, राज्य झुंझुना में महापालवास गांव है, पाकिस्तान में लोहान वंश के सिंध के आसपास इनके गांव पाए जाते हैं। जो हमारे लोहान वंश के भाई प्रसिद्ध व्यक्ति है निशान चौधरी लिमका बल को रिकॉर्ड है इनका, दरिया सिंह लोहान, डॉक्टर अरविंद लोहान, आदित्य लोहान इतिहास में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सज्जन सिंह लोहान ग्राम कुलकाणी जींद जिला में, ये जगदीप लोहान उच्च न्यायालय CBI न्यायाधीश, इन्होंने बाबा राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई, ये जस्टिस है जगदीप लोहान। तो भाइयों इसी के साथ लोहान गोत्र की हिस्ट्री आपके सामने लेके आए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों पर पहुँचे और वो ज़्यादा हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दें और हम उसके बाद ज़्यादा वीडियो निकाल सकें गोत्र को हिस्ट्री की। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद भाइयों।